मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत जीरो लेवल से चीजें शुरू होंगी, जस्ट लाइक स्कूल लेवल से, और वो अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगी। इसीलिए आपको कहीं कुछ और कुछ भी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडवांस पे नहीं आ रहा हूँ, आपको स्कूल लेवल से ये चलेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कुछ भी करने की। कुछ बच्चे कल भी कमेंट कर रहे थे, मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूँ अपने सिलेबस और अपनी चीजों को लेकर, अननेसेसरी की बात नहीं करेंगे अभी। देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन या पेन जरूर चलाइएगा, यही गलती लोग कर रहे हैं। तो आज जेई मेन जैसे एग्जाम जो बहुत ही इजी एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी नंबर नहीं आ रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। हेलो हेलो, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं भाई सभी लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर, चलो बढ़िया। तो चलो बच्चों, ट्वेल्थ के टॉपिक का, ट्वेल्थ का जो भी अपना सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है आज स्टार्ट करते हैं, वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या आपको फील हो रहा है? इलेवेंथ का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, इलेवेंथ का वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और आप देखोगे कि जो ओल्ड सेक्शन है, ओल्ड सेक्शन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि इलेवेंथ के कुछ पार्ट जो थर्मो, SHM, फ्लूड, ये ट्वेल्थ वाले में अपलोड हो गए हैं, तो वहां सर्च कर लेना, उसको मैं करेक्ट करा दूंगा। तो इलेवेंथ के कुछ चैप्टर्स ट्वेल्थ वाले में, ट्वेल्थ के VOD में अपलोड हो गए हैं, ठीक है। बाकी इलेवेंथ का आपका अपलोड हो चुका है, सारे अपलोड हो गए हैं। ओल्ड सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखेगा इलेवेंथ का, और बाकी ट्वेल्थ का आप ही के उसमें दिख जाएगा। किसी बच्चे ने उसको देख लिया है तो कंफर्म कर दीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हुआ है। हाँ, मैकेनिक्स जो है, अच्छा मैकेनिक्स नहीं हुआ है, ओके मैकेनिक्स नहीं हुआ है, चलो मैं देख के एक बार और फिर से कराता हूँ। मैकेनिक्स नहीं हुआ है जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं, ओके, तो मैकेनिक्स आपको जो है, मैंने वही कहा कि अगर आप इलेवेंथ वाले का एक्सेस है क्या, एक बार बताइएगा, इलेवेंथ वाले का एक्सेस आप लोगों को है क्या? इलेवेंथ वाले का अगर एक्सेस है तो आप इलेवेंथ वाले में जाएंगे ओल्ड में, तो सारा वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है। कुछ इधर उधर हो गया है उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। सारा अपलोड हो गया है, कुछ ट्वेल्थ में है वीओडी में और कुछ इलेवेंथ में है। तो ट्वेल्थ और ओल्ड इलेवेंथ देखिएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी, सारा अपलोडेड है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या समझते हैं बच्चों, कोई बताएगा इसका क्या मीनिंग है? चलिए पढ़ाई पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप क्या समझते हो, इस हेडिंग से क्या समझते हो जो पढ़ने जा रहे हो, इस हेडिंग से क्या समझते हो? ठीक है, तो इट हेडिंग का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या समझते हैं, चार्ज, क्या लिख रहे हैं, स्टडी ऑफ चार्ज, ओके ओके ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज, ओके। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो चार्ज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, इलेक्ट्रो जो मतलब है वो चार्ज से रिलेटेड है। और स्टैटिक्स सभी बच्चे अब जानते हैं, एट रेस्ट, तो ये बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, तो ये स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज है बच्चों। तो हम रेस्ट चार्ज की केवल स्टडी करेंगे। अब ऐसा क्यों, ये भी एक बात है कि हम रेस्ट चार्ज की स्टडी अलग चैप्टर में कर रहे हैं, मूविंग चार्ज की स्टडी हम अलग चैप्टर में करेंगे, ऐसा क्यों है वो भी आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, तो ये रेस्ट चार्ज का स्टडी है, ठीक है। अब पहली बात आती है चार्ज के बारे में, तो चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज चार्ज? अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज क्या है, इतना तो सुने होगे, तो चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे?
मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत जीरो लेवल से चीजें शुरू होंगी, जस्ट लाइक स्कूल लेवल से, और वो अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगी। इसीलिए आपको कहीं कुछ और कुछ भी जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एडवांस पे नहीं आ रहा हूँ, आपको स्कूल लेवल से ये चलेगा, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कुछ भी करने की। कुछ बच्चे कल भी कमेंट कर रहे थे। चलिए बताइए, चार्ज के बारे में बताइए, व्हाट इज चार्ज, जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। आई एम आस्किंग अबाउट द डिफिनेशन ऑफ चार्ज। अगर तुमसे कोई पूछ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चार्ज, कैसी बात कर रहे हो यार, उल्टा बोल रहे हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, नॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज चार्ज, उल्टा बोल रहे हो। चार्ज इज समथिंग दैट इज नॉट न्यूट्रल, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जस्ट टेल मी। एनर्जी चार्ज, सभी बच्चे अपना अपना जो है क्या कहते हैं, अपना अपना जो है क्रिएटिविटी बता रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं डिफाइन करता हूं, मैं इसको डिफाइन करता हूं, और जान से सुन लो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच ठीक है, चार्ज जो है बाय विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस, बाय विच इट प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम सब पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी फील्ड क्या है इस पे भी आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज जो है किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है बच्चों, है ना, चार्ज किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आइदर वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी मैग्नेटिक फील्ड में को एक्सपीरियंस करे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी मैग्नेटिक फील्ड को या तो खुद महसूस करे, एक्सपीरियंस करे, किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भेज देंगे, तो वो जो आपका जो है, जो वो एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑब्वियसली उस पर कुछ फोर्स लगेगा, तो वो जो भी एक्सपीरियंस करेगा वो या फिर खुद वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, प्रोड्यूस करे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड चार्ज। तो इस तरीके से आप चार्ज को बच्चों डिफाइन करते हो। तो चार्ज की डिफिनेशन आज से कोई अब तुमसे पूछे तो आप ये बताओगे, ठीक है। बाकी जो आप लोग बता रहे थे उसकी कुछ कुछ आप बातें बता रहे थे, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसकी जो यूनिट लिखते हैं ना, यूनिट जो हम बोलते हैं, तो यूनिट में दो है, SI यूनिट, तो SI यूनिट में हम, और एक अपना है CGS, तो SI यूनिट में बच्चों हम इसे बोलते हैं कूलम, ठीक है, और ये अपना होता है स्टैट कूलम, ठीक है, ESU, ठीक है। तो एक हम बोलते हैं कूलम, बिल्कुल ये बहुत बच्चों को पता है इसका मतलब, ठीक है, स्टैट कूलम बोलेंगे या फिर ESU। अब इन दोनों में एक रिलेशन है, या ना, बहुत बच्चे क्या बोल रहे हैं, 11th एक्सेस दे दो भाई, 11th का वीडियो आप लोगों को 12th वाले में, जो 11th के वीडियो अगर नहीं अपलोडेड हैं तो कल तक अपलोड करा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये CGS यूनिट है, ESU, और इन दोनों के कन्वर्जन, ये छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए, खासकर जेई मेंस और बोर्ड के लिए। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ठीक है। तो ये आपकी कन्वर्जन है, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ये क्लियर है बच्चों। तो जो भी चैप्टर्स अगर आपके अपलोडेड नहीं हुए होंगे तो वो अपलोड करा दिए जाएंगे। आप लोग मुझे क्लियर कट बताइए कि आपको 11th का एक्सेस है कि नहीं, अगर 11th का एक्सेस है तो आप ओल्ड में जाएंगे और 11th सेक्शन में जाएंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये CGS ही है बेटा, यहां लिखा हुआ है CGS को ही ESU कहते हैं,
एसआई यूनिट में कूलम कहते हैं, एसआई यूनिट में कूलम कहते हैं, और सीजीएस में हम स्टैट कूलम कहते हैं। हाँ बोथ है तो फिर क्या दिक्कत है, बोथ है, बहुत बच्चे लिख रहे हैं कि बोथ है, ठीक है, तो बोथ है तो आप 11th वाले में जाइएगा, तो 11th के अभी तक आपने जो भी लेक्चर पढ़े हैं वो सारा एक्सेस होगा, 12th का जो अभी पढ़ने जा रहे होंगे वो होगा पुराना, ठीक है। चलिए तो ये सीजीएस है और ये एसआई यूनिट है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों चार्ज की कहानी है, नेक्स्ट बात करते हैं कि चार्ज तो हमने जान लिया क्या होता है, कुछ इसके और भी चीजें जान लीजिए, जैसे चार्ज को हम 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसको हम और छोटे यूनिट्स में हम डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम है ये, 10^-6, इसको बोलेंगे आप माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम, ठीक है, ये माइक्रो कूलम है म्यू से, ठीक है। उसी तरीके से आप नैनो कूलम बोलते हैं, 10^-9, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा है ना, थोड़ा बहुत स्कूल में भी, 1 नैनो कूलम 10^-9 है, तो ये नैनो कूलम के लिए आप बोलते हो, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ठीक है, ये सब आपको बहुत यूज होंगे, और पीको एक यूज होगा, वो अपने पास है 10^-12, सबसे ज्यादा आपका ये यूज होने जा रहा है 10^-6, ठीक। अच्छा न्यू स्टूडेंट के लिए 11 एक्सेस नहीं है, ओके ओके अब समझ में आया, तो न्यू स्टूडेंट के लिए 11 एक्सेस नहीं है, ओके समझ गया, ठीक है, तो मैं उस पर बात करके आपको 12th वाले सेक्शन में ही डलवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने अभी चार्ज के बारे में बेसिक बातें देखी, अब थोड़ी सी बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, कि क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो तुम लोग कुछ कुछ बता भी रहे थे, जो कुछ बच्चे बता भी रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहली बात तो यह है, हाँ बहुत बढ़िया, तो अब यहां पे, अरे भैया पहला लेक्चर है, पहले पूरा पढ़ लो यार, एक चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट 20-25 दिन पढ़ लो, फिर पूछना है कि एडवांस रहेगा कि मेंस रहेगा, भाई सुधांशु ठीक है, इस चक्कर में आप परेशान मत होइए। चलिए तो पहले प्रॉपर्टी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं चार्ज के बारे में जो तुम लोग को भी पता होगा, तो ये दो फॉर्म में, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ठीक है, क्या क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दो बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है बच्चों, कि मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई हमारे पास एक बॉडी है, कैसी भी बॉडी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है, तो मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल का मतलब क्या समझते हैं, कि क्या उसमें कोई चार्ज नहीं है, नहीं, इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, इक्वल एंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब नेगेटिव चार्ज हटाया, जब यहां से मैंने ट्रांसफर ऑफ नेगेटिव चार्ज कर दूंगा तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी कैसी हो जाएगी, एक चार्ज जब यहां से हट जाएगा तो अपनी बॉडी जो है, ये अपनी बॉडी कैसी बन जाएगी, ये बॉडी अपनी जो है पॉजिटिव बन जाएगी, ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब बहुत फंडामेंटल बातें हैं भाई, ठीक है, बट चैप्टर शुरू हो रहा है तो बहुत फंडामेंटल से ही शुरू होगा, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई बॉडी तुम्हारे पास है कि अगर आपने इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, अगर आपने से कुछ इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया है, तो जब दे दोगे
तो ये बॉडी उल्टा अगर सोचो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है आपको आपने दिया है, कहीं से एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस पर आया है, तो कहीं से एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर आया है बच्चों, तो ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। तो बेसिकली हमारा पहला ये है कि दो में वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में तो आपने देख लिया। अब ये जो चार्ज है बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब कोई एक बॉडी है जिसपे आपने चार्ज दिया है और फिर किसी और बॉडी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है, तो उनमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, और चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन के वजह से ये नहीं होगा कि चार्ज का कोई लॉस होगा, चार्ज केवल क्या होंगे, दो बॉडीज के बीच में वो क्या होंगे, केवल रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी इनिशियल मैग्नीट्यूड और फाइनल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसी को हम कंजर्वेशन कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये है बच्चों, आगे जाकर आप काफी आगे जाकर पढ़ेंगे अर्थिंग, मतलब चार्ज जो बॉडी है वो कभी भी अर्थ ना हो, मतलब कहीं और जगह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना आ रहे हो, केवल दो बॉडी के बीच में चार्ज का एक्सचेंज हो रहा हो और कोई ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो दोनों जो है आइसोलेटेड है, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है। और जब वो आइसोलेटेड है तो ऑलवेज वी हैव चार्ज कंजर्वेशन, हमेशा हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी ए है, ठीक है, और ये बॉडी बी है, उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों बॉडी को इसको कनेक्ट कर रखा है एक स्विच के साथ, इसको आपने स्विच के साथ मान लो कनेक्ट कर रखा है, अभी स्विच ओपन है, अभी ये स्विच अपना ओपन है, ठीक है, इस पे आपने चार्ज दिया था Q1, मान लो पॉजिटिव ही दिया है, और इस पे Q2, ठीक है, तो टोटल चार्ज इन दोनों बॉडीज पे क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखते रहिए, सुनते रहिए, Q1 और Q2 इसके चार्जेस हैं बच्चों। तो मान लो इस पे मैं ये कह रहा हूं कि इस पे चार्ज Q1 था और इस पे चार्ज Q2 था, ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, अभी स्विच ओपन है, अब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो अब क्या होगा, जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच को बंद कर देंगे, जब स्विच को बंद कर दोगे बच्चों तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे याद है आप लोगों ने हीट ट्रांसफर पढ़ा था कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या होता है, चार्ज का फ्लो, हीट का फ्लो होता है, उसी तरह यहां पे चार्ज का फ्लो होगा, आगे जाके आप पढ़ेंगे दैट इज हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो जैसे बैटरी तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, तो आप ये पॉजिटिव बोलते थे, ये नेगेटिव, तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, तो उसी तरीके से चार्ज का जो फ्लो होगा ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी उस पोटेंशियल पे मत चक्कर में पड़िएगा, फुल फ्लेज में ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपको चीजें बताई जाएंगी, अभी बस इसकी प्रॉपर्टी ये है कि क्लोज करने के बाद इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लेते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश हो गया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, और ये सिस्टम अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कहीं से कोई अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है। स्विच का मतलब नहीं जानते हो भाई तनिष्क, अरे यार स्विच का मतलब नहीं जानते हो कि स्विच का मतलब कि इसको जोड़ दोगे तो ये यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज को एक पाथ मिल जाएगा, ये चीज होती है। तो यहां पर आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया, ठीक है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन और ये बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये काफी अप्लाई करेंगे आगे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इस इक्वेशन को हम कहेंगे चार्ज कंजर्वेशन, इसी को हम कहेंगे बच्चों कि चार्ज हमारा कंजर्व रहा है सिस्टम में,
चार्ज कंजर्व इन ए आइसोलेटेड सिस्टम. तो चार्ज कंजर्व है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब अर्थ से कनेक्टेड ना हो. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा. ठीक है. हाउ चार्ज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने पूछा है, अभी आपको आगे क्लियर होगा. मैंने अभी आपको थोड़ा हिंट दिया कि जैसे कि पानी की टंकी है, आपने जो पूछा है इसको मैं ऐसे बता सकता हूं कि एक पानी की टंकी है, दो टंकी को आप कनेक्ट कर रहे हो. आपका जो डाउट है वो जेन्युइन है कि देखिए आपने पानी की टंकी है और यहां पे प्रेशर है, वाल्व है, वाल्व को ओपन कर दिया, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, ये तो सबको पता है कि ये एच वन है और ये एच टू है. तो इस साइड का प्रेशर जो पी वन है, इस साइड के प्रेशर पी टू से ज्यादा है बच्चों. तो जब ये ओपन होगा तो पानी किधर फ्लो करेगा, फ्रॉम जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां से लो प्रेशर साइड. ठीक उसी तरीके से यहां पे पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, इसीलिए मैं उस वर्ड पे अभी आ नहीं रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको समझाना है, ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल. बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों को पता भी है, बहुत बढ़िया. तो पोटेंशियल के चेंज होने से है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. ठीक है. तो आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नहीं, आपका पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है. ठीक है. तो Q1 और Q2 बराबर नहीं होंगे. Q1 और Q2 बराबर तब होंगे जब दोनों के रेडियस सेम होंगे. यहां पे रेडियस अलग अलग है, चलिए मैं लिख देता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा, क्यों आगे आपको क्लियर होगा. ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों बच्चों डिफरेंट है. ठीक है. और अगर सेम होंगे, दोनों के रेडियस सेम होंगे, तब जाके ऐसा होगा. अभी आपको और आगे क्लियर होगा. अभी आपको मैंने बस चार्ज कंजर्वेशन सिखाया है, अभी आपको मैंने केवल चार्ज कंजर्वेशन सिखाया. ठीक है. तो ये कहानी है और आपको शायद मैंने एक बहुत बेसिक बात से समझाया कि क्यों चार्ज का फ्लो हो रहा है. तो मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, बट आपको एक्सप्लेन इसको बाद में करूंगा. तो ये है अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन. कब तक होता रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन? तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके इक्विलिब्रियम कब गेन करेगा? जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम ना हो जाए. तो आगे की कहानी है, अभी आपको मैंने बस कंजर्वेशन समझाया है. ठीक है. तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज अपना क्या होगा बच्चों, कंजर्व रहेगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का. नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो आप जानते हो कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. क्यों होता है अभी देखेंगे आगे. अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज अपना जो होगा वो हमेशा क्या होगा, क्वांटनाइज होगा. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हैं चार्ज ऑलवेज क्वांटनाइज. चार्ज हमेशा जो होगा वो क्वांटनाइज होगा. क्वांटनाइज का मतलब बताइए, कहां आपने सुना है क्वांटनाइज? तो चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज, जो भी आपने क्वांटनाइजेशन कहां सुना है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री में सुना होगा जब बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल. बोर्स मॉडल में जो बोर्ड का सेकेंड पोस्टुलेट है ना, कि एमवीआर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई,
जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई. तो ठीक उसी तरीके से अपना चार्ज भी जो होगा वो क्वांटनाइज होगा, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज है. इसका क्या मतलब है बाकी बच्चे भी समझिए कि चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अपना जो चार्ज है क्वांटनाइज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो कोई भी लिख सकते हो. तो क्वांटनाइज होने का मतलब यह है बच्चों कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा उसमें द चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज. और स्मॉलेस्ट चार्ज हमने क्या माना है अभी तक, तो यही माना है, हालांकि उससे भी छोटा हमारे पास है जिसको हम क्वार्क कहते हैं. ठीक है, तो क्वार्क्स की भी बात करते हैं आगे हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो. बट आपके लेवल पे स्मॉलेस्ट चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो किसी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो आप ये लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हुआ स्मॉलेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तो कोई भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज होगा तो ऑलवेज क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, एनी होगा. इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ई या क्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ई, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज अपना है उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता. अब ये देखो, ये लिख Q1 इज इक्वल टू 2/3 Q2, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सही है बट ये दोनों गलत है, क्योंकि यहां पर Q1 और Q2 ये चार्ज ऑफ टू बॉडी है, तो दो बॉडी के बीच का चार्ज का रिलेशन कुछ भी हो सकता है, वो चार्ज ऑफ टू बॉडी, किसी दो बॉडी के बीच का चार्ज है बच्चों. तो किसी दो बॉडी के बीच का जो चार्ज है वो Q1 इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ Q2 या Q3, ये सही है, बट कोई इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसकी वैल्यू सभी को पता है, उसका जो है आप फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. लेकिन दो बॉडी के बीच का चार्ज, दो बॉडी के बीच का चार्ज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल हो सकता है, उनमें जो रिलेशन होगा दो बॉडी के बीच में चार्ज, वो Q1 और Q2 जो दो बॉडी के बीच का चार्ज है उनमें कोई भी रिलेशन हो सकता है, बट इंडिविजुअली Q1 एंड इंडिविजुअली Q2 विल नॉट बी फ्रैक्शन ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलम. ठीक है, नहीं क्वार्क्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, अननेसेसरी है, क्वार्क्स का हम यहां पे डिस्कशन नहीं करेंगे. मैं बहुत ही पर्टिकुलर हूं अपने सिलेबस और अपनी चीजों को लेकर, अननेसेसरी की बात नहीं करेंगे अभी. ठीक है, क्वार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, तो अभी तक हम यहीं पर रहेंगे. देखिए क्लियर है, ठीक है, तो क्वार्क्स की हम बात नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस तक हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे. ठीक है, चलिए, तो चार्ज ऑलवेज क्वांटनाइज, ये आपने जान लिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है चार्ज के लिए कि चार्ज एडिटिव हो सकता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं. बाकी फंडामेंटल चीजें आप, मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास. तो चार्ज बच्चों हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा. अगर कहीं ट्रांसफर ऑफ चार्ज है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मास का भी साथ साथ में ट्रांसफर हो रहा है.
ठीक है, चार्ज अपना जो है अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, इसका मतलब चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, चार्ज के साथ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये आपने देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज जो है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं लाइन लिख रहा हूं, कि चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड, ऑन इट्स वेलोसिटी और डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी से चार्ज चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ना ही ये चेंज होगा कि बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किसी बॉडी है उस पे चार्ज है, उसको आप किसी दूसरे फ्रेम से देखो, तीसरे फ्रेम से देखो, तो आपको चार्ज की वैल्यू चेंज नजर नहीं आएगी, बिल्कुल इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। बहुत बढ़िया भाई सनी, इसी बात को बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट, जबकि मास जो है, बट मास के साथ क्या है कि मास डिपेंड करता है, मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बट ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, मास इज फ्रेम डिपेंडेंट, मास फ्रेम डिपेंडेंट है। आइंस्टीन की इक्वेशन से आप बता सकते हो m जो है अपना होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, उससे आप बता सकते हो कि अपना मास जो है वो डिपेंड करता है, मतलब जैसे ही आप देखो v इज वेलोसिटी ऑफ मास m, ठीक है, एंड c तो सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट है, c इज स्पीड ऑफ लाइट है। तो जैसे जैसे आप अगर ये चेंज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अगर चेंज करोगे, यही एग्जांपल है एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आपको अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट अचीव करा दूं, अगर मैं आपको स्पीड ऑफ लाइट आप अचीव करते हैं, तो आप एक एनर्जी पार्टिकल बन जाएंगे और आपकी एनर्जी होगी E इक्वल टू एच न्यू, आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो यही चीज आइंस्टीन ने बताया था कि अगर सी वी जो है सी को टेंड करेगा तो एम टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो वही चीज अपने पास है कि चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स वेलोसिटी और डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट मास जो है फ्रेम डिपेंडेंट है, आप देख रहे हैं। तो ये बेसिक जो है बेसिक अपना जो है, एम इज द मास एसोसिएटेड विद वी, है ना, एम जो है V के साथ एसोसिएटेड है और एम नॉट अपना रेस्ट मास है, एम नॉट अपना रेस्ट मास है। जब V जीरो होगा तो चलो मैं लिख देता हूं, एम नॉट जो है अपना रेस्ट मास है और M है मास एसोसिएटेड विथ V। अब क्लियर है तुम्हें, ठीक है, जिसको डाउट था क्लियर है रिलेशन ऑफ v विथ m। तो ये देखो ये रिलेशन है, ठीक है, और v जो है रेस्ट मास को डिफाइन किया गया है। तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी को क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। पहले तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये सभी को क्लियर ही हो गया था, ठीक है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एक प्रॉपर्टी ये भी लिख देता हूं, ये सबको पता ही है, खैर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब हम इसको जोड़ सकते हैं, आप बोलो सर घटा भी सकते हैं, तो ऑब्वियसली इंफिनिटी कब होगा भाई, जब वी सी को टेंड करेगा, इतना मैथ तो आता होगा मेरे भाई, वी जो है जब सी को टेंड करेगा बच्चों, तो ये टर्म डिनोमिनेटर जीरो होगा और m टेंडिंग टू फिर इंफिनिटी हो जाएगा, इतना मैथ तो आता ही होगा। नहीं नहीं, ये इक्वेशन याद नहीं रखनी है, जस्ट आई हैव गिवन ए एग्जांपल, ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, कुछ ये याद नहीं रखना है,
जो याद रखना है मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं, जो फॉर्मूला याद रखना है वो मैं ब्रैकेट में बंद करता हूं, ठीक है। और मैं बहुत फंडामेंटल फॉर्मूले ही याद करवाता हूं, बाकी अप्रोच पे जोर देता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो जानते होंगे। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ये क्लियर है। चलिए, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई, बाकी और भी प्रॉपर्टीज हैं, आप बेसिक्स वाली वो और भी पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया। तो आज आपको थ्योरी क्लास लगेगी ये फिजिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ चार्ज प्रोड्यूस, चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे किसी बॉडी पे या कहीं भी। तो हाउ चार्ज प्रोड्यूस, तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, या चार्ज ट्रांसफर कैसे करें, है ना। सेवेंथ पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, सेवेंथ पॉइंट क्या था, सेवेंथ मैंने पॉइंट्स के नंबर तो नहीं दिए, अब मुझे हाँ, तो ये लास्ट पॉइंट आप शायद पूछ रहे हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब बच्चों कि अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज अपने पास Q1 है और किसी दूसरे बॉडी पे चार्ज Q2 है, भाई शिवम आपका ये डिफरेंस डाउट था, एडिटिव का मतलब आप उसे जोड़ सकते हो। तो टोटल चार्ज को आप Q1 प्लस Q2 लिख सकते हो, सिंपल सिंपल आप चार्ज को Q1 प्लस Q2 लिख सकते हो, ये मतलब है एडिटिव का मतलब, ठीक है। चलिए, हाउ चार्ज प्रोड्यूस, बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों ने होमवर्क कर लिया है अपना, फटाफट बता रहे हैं। चलिए, तो हाउ चार्ज प्रोड्यूस के तीन प्रोसेस हैं, ठीक है, बाय थ्री प्रोसेस। पहला प्रोसेस है अपना, इसको तीन प्रोसेस से हम किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो तीन प्रोसेस अपने पास है, देखो धीरे धीरे उसको, तो पहला जो प्रोसेस है बच्चों वो है अपना फ्रिक्शन, ये बहुत बच्चों को पता होगा फ्रिक्शन से। तो पहला है अपना फ्रिक्शन, और फिर नेक्स्ट है अपने पास है कंडक्शन, इंडक्शन पहले लिखते हैं, और नेक्स्ट अपने पास है फिर कंडक्शन। तो ये तीन चीजों से हम ऐसा, तो ये तीन प्रक्रिया है। अभी मैं केवल आपको जो है क्या करूंगा, केवल इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि अभी पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी, तो बस ये बता रहा हूं कि चार्ज ट्रांसफर जो है वो कैसे होंगे। फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन में क्या होगा कि अगर आप किसी दो बॉडी को रब करते हो एक साथ, किसी दो बॉडी को रब करते हो एक साथ, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस बॉडी का लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो डिटैच हो जाएगा और वो दूसरे बॉडी पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो बॉडी डिटैच हुई, थर्मियोनिक इमिशन से भी बोल सकते हैं बिल्कुल, बट हम यहां पे देखो, हम यहां पर जो है स्टैटिक की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं केवल रेस्ट चार्ज पे ही फोकस कर रहा हूं। तो रबिंग में क्या होगा, बिल्कुल ड्यू टू रबिंग क्या होगा, बिल्कुल कॉम्ब इन हेयर, ये सब आप पढ़े हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो रबिंग में क्या होगा कि जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से, वो डिटैच होगा, वहां पॉजिटिव छोड़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वहां पॉजिटिव आ जाएगा, और जो गेन करेगा वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इज बेसिकली व्हाट, इसमें हम यही बोल सकते हैं बाय फ्रिक्शन क्या कर सकते हैं कि जो लूजली बॉन्डेड है, और इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, इसमें आप बोल सकते हो कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, तो इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, चार्ज
तो चार्ज डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी विच हैज लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उससे चार्ज डिटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एक बता रहा हूं कि ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ रब करते हो, सिल्क के साथ इनकी रबिंग होती है, रबिंग, तो क्या होगा कि ग्लास रॉड से डिटैच होगा इलेक्ट्रॉन और सिल्क पर आएगा, मतलब ग्लास रॉड का इलेक्ट्रॉन जो है डिटैच होगा और सिल्क पर आएगा, तो ग्लास अपना पॉजिटिवली हो जाएगा और सिल्क अपना नेगेटिवली हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्क अपना नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहां पर ग्लास रॉड अपना पॉजिटिव, तो फ्रिक्शन में आप देख रहे हैं कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज है, और अगर एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज है तो मास का भी एक्चुअल ट्रांसफर होगा, एंड मास है ना, तो फ्रिक्शन वाले प्रोसेस में एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास और चार्ज है। वाई सिल्क भाई, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, आप फर ले सकते हैं, हो सकता है कि ग्लास पॉजिटिव हो जाए, अगर आप कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वहां से ग्लास पर आ रहा है, ग्लास का जो बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन का वो दूसरे वाले से मान लीजिए ज्यादा है, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या होगा बच्चों, वो ग्लास पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ग्लास अपना नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, कॉन्स्टेंट रबिंग कॉजेज चेंजिंग द मास, बट वो मास आपको ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होगा कि आपको दिखेगा कि बॉडी का वेट कम हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सिल्क की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सिल्क का इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंडेड है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आप कुछ और भी लेकर कर सकते हैं, आई हैव जस्ट गिवन ए एग्जांपल। मास कैसे ट्रांसफर होगा, आपको पता नहीं है कि मास ऑफ प्रोटोन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, अभी अभी बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके साथ उसके एसोसिएटेड मास भी तो जा रहा है, ठीक है। तो आप मास का भी ट्रांसफर होता है ऑलवेज, जब एक्चुअल चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। ग्लास रॉड लूजली बॉन्डेड कैसे है भाई, ये तो इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये लूजली बॉन्डेड, हमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तभी पता चला कि ग्लास और सिल्क को रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड जो है अपना वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और सिल्क अपना नेगेटिवली चार्ज होगा, ये क्लियर है। तो इसमें कुछ इसका कोई रीजन नहीं है, मैंने रीजन लिख दिया है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कौन लूजली बॉन्डेड है और कौन नहीं है। ये क्लियर है, चलिए। इंडक्शन में क्या होता है बच्चों कि इंडक्शन में जो है एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, कंडक्शन अलग कर लेंगे, जगह नहीं है। तो इंडक्शन में क्या होता है, देखो कि इंडक्शन प्रोसेस में आप बोल सकते हो कि नो एक्चुअल ट्रांसफर, From one body to another, ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस है ना, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एनदर चार्ज बॉडी, तो किसी एनदर चार्ज बॉडी के वजह से के इंफ्लुएंस में आकर किसी दूसरे बॉडी पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लियर है।
हाउ डू वी नो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या चीज पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं समझ में आपका डाउट. तो ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज बॉडी. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो हमारे पास एक यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी थी, ठीक है, जिसके पास अपने कंडक्टिंग बॉडी थी, कोई भी हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी थी. अब आप इसके पास क्या कर रहे हो, कोई एक चार्ज रॉड लेके आ रहे हो, कोई भी एक चार्ज रॉड लेके आ रहे हो. तो चार्ज रॉड अगर लेके आ रहे हो, अब ये कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, ये कहानी आगे की है, ये अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, जब फील्ड पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा. तो कोई अगर मैं चार्ज रॉड लेके आ जाऊं, पूरा रॉड ही बना देते हैं, तो अगर चार्ज रॉड लेके आएंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस क्या होगा बच्चों, अभी आप इसको ऐसे समझिए, पोलराइजेशन होता है, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझिए कि इस बॉडी का क्या होने वाला है, कि ये बॉडी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये बॉडी में जो कंडक्टर है इस पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, और इसके जो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. आपका भाई डाउट नहीं समझ में आ रहा है किसका, आप क्या पूछ रहे हैं, हाउ डू वी नो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आई कांट अंडरस्टैंड कि कहां की क्या बात पूछ रहे हैं. तो ये पॉजिटिव है, ठीक है. अब इसके वजह से आप ऐसे सोचो कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ पुल होंगे, तो इसकी तरफ पुल होंगे मतलब इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पुल होंगे, और जब ये इधर पुल होंगे तो इधर क्या छोड़ जाएंगे, इधर पॉजिटिव अवे होंगे, रिपल्शन. ऐसे सोच लो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज. रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भाई प्रिंस यहां समझाया जा रहा है, आप यहां देखिए समझ जाएंगे. तो अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, लेकिन जब आप चार्ज रॉड लेकर आओगे, तो चार्ज रॉड लेके आओगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज रॉड, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल अप करेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा. पॉजिटिव चार्ज नाम की चीज कुछ होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पॉजिटिव छोड़ जाता है, ठीक है. तो ये कहानी है बच्चों. तो ये कहते हैं इंडक्शन. इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर की भी बात जो कर रहे हैं आप, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी, वो मैग्नेटिज्म की बात है, इससे नहीं जोड़ सकते आप. तो कुछ इसी तरीके की बात है बिल्कुल. तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं है, केवल बॉडी का यहां लिखा हुआ है. ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर बॉडी. तो किसी बॉडी पे किसी दूसरे चार्ज बॉडी के आने के वजह से उसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ. भाई पॉजिटिव बाहर क्यों गया, अभी अभी आपने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अभी आप ऐसे ही देख सकते हैं, हालांकि इसका एक्चुअल रीजन पोलराइजेशन है, इसको हम पोलराइजेशन से भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे. तो ये पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें जो है पोलराइजेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया. पोलराइजेशन मतलब चार्जेस अलग अलग हो गए, पोलरिटी आ गई, ठीक है. तो दैट इज पोलराइजेशन, अभी उसको डिटेल में हम करेंगे. माइनस कैसे आया, आपको मैंने बताया भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है और ये न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बहुत सिंपल सी बात है यार, ठीक है. तो बहुत इजी चीजें आप पूछ रहे हैं, ठीक है. चलिए कंडक्शन, कंडक्शन की बात करते हैं. कंडक्शन जो प्रोसेस है, इसका एक्चुअल रीजन पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अभी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, बट अभी मैं केवल इतना ही बता सकता हूं कि कंडक्शन में क्या होगा, कि दो बॉडी जो है, दो बॉडी अगर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे हैं, आप फिर पूछ सकते हो कि सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. तो मैंने अभी कहा जैसे कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में पानी बहता है, जैसे हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, उसी तरीके से हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज का फ्लो होगा. कब तक होगा, जब तक ये दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल की ना हो जाए, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना इंडक्शन के बाद जो कंडक्शन प्रोसेस है उसमें एक्चुअल ट्रांसफर होता है. एक्चुअल ट्रांसफर
टेक्स प्लेस है ना फ्रॉम तो हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है अब इसको आगे समझेंगे। अभी अभी आप इतना ही दिमाग में बैठाइए कि बहुत बढ़िया भाई महमूद आपको आता है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल जो है अभी आप यही समझिए कि जस्ट लाइक प्रेशर, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, जस्ट लाइक हीट टेम्परेचर डिफरेंस, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर डिफरेंस में हीट का फ्लो होना, हायर प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन में गैस या पानी या लिक्विड फ्लूड का फ्लो होना, तो उसी तरीके से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, वही अपना है कंडक्शन। कब तक होता रहेगा? अंटिल एंड अनलेस बोथ द बॉडी एट सेम पोटेंशियल। कब तक ये फ्लो करता रहेगा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी कहानी है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये बॉडी था और ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको इतना ही बता पाऊंगा कि इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 था और इस पे Q2 था। अभी अभी हमने चार्ज कंजर्वेशन में ये सिचुएशन लिया था, चार्ज कंजर्वेशन में यही सिचुएशन लिया था बच्चों। तो ये स्विच है अपना, है ना, और फाइनली जब आपने स्विच क्लोज कर दिया था, फाइनली जब आपने स्विच क्लोज कर दिया था, तो इनमें आपने बोला था कि Q1 डैश और Q2 डैश हो गया, Q1 डैश और Q2 डैश हो गया था, और ये अपने पास था R1 और R2, R1 और ये था अपना R2 रेडियस, है ना, ये R1 ये R2 रेडियस है। तो पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला तो समझेंगे, अभी मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा कि जो चार्ज इस पे आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, R1 और R2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, R1 ये R2, ये भी R1 ये R2। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, है ना, ये दोनों जो है कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अभी आप इतना समझिए, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, आगे आपको पोटेंशियल में क्लियर होगा, अभी मैं बस आपको कंडक्शन समझा रहा हूं। कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, इसका पोटेंशियल V1 होगा, जिसका फॉर्मूला अभी जस्ट बता रहा हूं, बहुतों को समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, KQ/R जनरल होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। आप पूछ सकते हो सर K क्या है Q क्या है, तो इसीलिए मैं उस पर भी जा नहीं रहा हूं। अभी ये V1 और इसका है पोटेंशियल V2, ठीक है, कोई भी ज्यादा हो सकता है हमें नहीं पता, तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लीजिए कि V1 अगर V2 से ज्यादा होगा तो चार्ज का फ्लो फ्रॉम V1 से V2 होगा। कब तक होगा? जब तक ये कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे तो आप एक इक्वेशन VC के लिए क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, के Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। तो यहां से बच्चों आपको पता चल रहा है कि Q1 डैश और Q2 डैश की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस है। अभी आप इतना समझ सकते हैं, आगे आपको जेई मेंस और इन सब में खूब पूछे गए। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस,
आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं तो केवल इतना जान लीजिए कि चार्ज जो इस पे रिसाइड करेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, वो कैसे आया मैंने आपको बताया। अभी आप पोटेंशियल का ये फॉर्मूला अगर अभी आपको पता है तो आप यहां से बता सकते हो, नहीं पता है तो इग्नोर मारिए, अभी सब डेराइव होगा, सब बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम चार्ज कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। अभी अभी आपने सीखा कि Q1 प्लस Q2 जो भी रहा होगा, दोनों का इनिशियल चार्ज, टोटल चार्ज जो इनिशियल था, टोटल चार्ज जो फाइनल था, वो कंजर्व रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहां से आप देखो Q1 और, तो यहां से मान लो Q2 डैश आपको निकालना है, तो वो होगा R2 बाई R1 प्लस इंटू Q2 डैश। Q2 डैश को आप क्या लिख सकते हो, Q1, मान लीजिए आपको Q1 डैश चाहिए, तो आप इसको Q2 डैश को क्या लिख सकते हो, R2 अपॉन R1 इंटू Q1 डैश। तो यहां से आप बोल सकते हो फाइनली Q1 अपॉन Q2 क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 है ना, अपॉन में R1 इंटू Q1 डैश। तो आपको Q1 डैश मिल जाएगा, Q1 डैश आपके पास क्या मिल जाएगा, तो Q1 डैश आपको मिलता है बच्चों Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू Q1, ये Q1 डैश मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप Q2 डैश भी निकाल सकते हो, Q2 डैश अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए मैंने आपको कहा है कि आप मेरे साथ कैलकुलेशन या पेन जरूर चलाइएगा, यही गलती लोग कर रहे हैं। तो आज जेई मेन जैसे एग्जाम जो बहुत ही इजी एग्जाम है, ठीक है, उसमें भी नंबर नहीं आ रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। क्लियर है सभी को? अच्छा, ये Q1 नहीं होगा, सॉरी, ये Q1 नहीं होगा बिल्कुल, ये R1 होगा। इसी तरीके से जब आप Q2 की बात करेंगे, Q2 डैश, तो ये तो सेम रहेगा, इंटू R2 शायद आ जाएगा, देख लीजिएगा, इंटू R2 आ जाएगा, देख लीजिएगा, या R2 आएगा, एक मिनट रुकिए, Q2 डैश कितना आएगा, R2 अपॉन R1, क्लियर है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा, तो अब फाइनल आपको चार्जेस ये मिलेंगे। आप ये चीज देख रहे हो कि अगर ये दोनों इक्वल, एक बच्चे, मैंने इतना इसलिए बता दिया क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि आइडेंटिकल होंगे, अगर ये आइडेंटिकल हैं तो इनमें चार्जेस क्या हो जाएंगे, अगर ये आइडेंटिकल हो जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ये आइडेंटिकल है ना, तो अगर ये आइडेंटिकल है बच्चों तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपसे ऐसा सिचुएशन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि मान लो ये आइडेंटिकल है, ये दोनों R है और ये भी R है और ये न्यूट्रल है, तो ये मान लो आपके पास Q है, ये भी R है, ये भी R है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जब कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, जब कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो इनमें Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा, अब आप बता सकते हो ना Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा, ये जनरल रिजल्ट था, R1 इक्वल टू R2 है, यहां पर R1 इक्वल टू R2 है, तो आप यहां से भी बता सकते हो, ये जनरल है, Q1 Q है और Q2 जीरो है और R1 R2 इक्वल है, तो यहां से Q1 डैश कितना आ जाएगा, देखो Q1 और R1 R2 इक्वल है, तो अपने पास ये 2R, तो अपने पास Q1 डैश आ जाएगा Q/2 और Q2 डैश कितना आ जाएगा, अगेन Q/2। इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो आप बोल सकते हो केवल कि इनमें जो शेयरिंग होगी वो Q/2 की होगी, तो Q1 डैश और Q2 डैश कितने हो जाएंगे, ये Q/2 हो जाएगा और ये भी Q/2 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट ये ऐसा तभी होगा व्हेन दे आर आइडेंटिकल, तो ये आप तुरंत यूज कर सकते हैं ये रिजल्ट,
ठीक है, जब ये आइडेंटिकल होंगे, अदरवाइज ये जनरल है, कुछ रटना नहीं है आपको, केवल ये ध्यान रखिएगा कि अगर आइडेंटिकल होंगे तभी जब कंडक्शन हो रहा होगा, एक्चुअल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो रहा होगा, तब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे व्हेन दे आर आइडेंटिकल, ज्योमेट्रिकली व्हेन दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, चार्ज क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो बात कर रहे हैं, आप चाहो तो Q1, Q2 के टर्म्स में, अच्छा आप इसको देखकर बोल रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं डायरेक्टली, यहां R1 है, यहां भी R1 प्लस R2 है, तो आप ये कैसे बोल पाएंगे? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी हैविंग हायर पोटेंशियल टू बॉडी हैविंग लोअर पोटेंशियल, ये है। ठीक है, हाँ ठीक है, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप, हाँ ठीक है, यहां से तो यही दिख रहा है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के डायरेक्टली, पोटेंशियल तो कॉमन हो गया, तो आप यहां से ये चीज बता पाएंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कंडक्टर है भाई ये, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये रेडियस ऑफ कंडक्टर है, इस पे मत जाइए, ये रेडियस ऑफ कंडक्टर है जिस कंडक्टर पे आपने दिया है। आर सेम होगा तो टू आर कैसे होगा यार, एक पे जीरो दिया है ना, अरे मेरे भाई ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, देखा करो मेरे भाई, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसको जीरो लिया है, ये न्यूट्रल है मेरे भाई। अगर दोनों पे क्यू क्यू चार्ज है, दोनों पे अगर क्यू क्यू चार्ज होंगे तो कुछ चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर इस पे भी चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है और दोनों के रेडियस सेम है, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो उनमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? अरे क्यू टू मैंने लिया है भाई, जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैंने क्यू टू जीरो लिया है यहां पे और Q1 को Q लिया है, मैंने एक एग्जांपल लिया है, जस्ट एक सिचुएशन लिया है, एक सिचुएशन लिया है भाई, गजब हो, कुछ भी ले सकते हैं ना Q1 Q2, तो मैंने Q2 को जीरो ले लिया, Q1 को Q ले लिया, उस केस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रिजल्ट आएगा, तो उस केस में ये रिजल्ट आएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, ये सभी को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमने देखी, अब बात करते हैं कि अभी आपने पढ़ा कि चार्ज जो है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, यही तो बात है। तो अब बात करते हैं बच्चों फील्ड का, व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ फील्ड, और फिर वहां से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तुम लोग जरा बताओ व्हाट इज फील्ड, फील्ड क्या है, हाँ भाई माधव आप कर सकते हैं, आपने अगर इलेक्ट्रो पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप करंट से लाइव कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड का मतलब एरिया, वही जहां पे खेती करते हैं, जहां पे खेती करते हैं, जहां पे तुम क्रिकेट खेलते हो, दैट इज फील्ड। फिजिक्स में यहां पर फील्ड का मतलब है बच्चों इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग। देखो छोटी, देखो कितनी छोटी छोटी बातों से चैप्टर शुरू हो रहा है, आप एक चीज देख पा रहे हैं कितनी छोटी छोटी बातों से चैप्टर शुरू हो रहा है, और जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो उसका आप लेवल देखिएगा, तो दैट इज द थिंग कि आप यहां पे बहुत ही एग्जॉस्टिव चीज पाएंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको जीरो आता है इस चैप्टर में या किसी चैप्टर में, उनको भी यहां लर्न करने का पूरा मौका मिलेगा। तो फील्ड के बारे में ये बच्चों की, इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग। इसको मैं और कैसे समझा सकता हूं, ये जो कहावत है कि एक, देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग, इसका मतलब है कि क्लास में अभी आप स्कूल जाओगे
कोई लोग जो होते हैं जो स्कूल के क्लास में एक दो लोग होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, बाकी अपने चेले चपाटी बना लेते हैं, जैसे वो आते हैं तो वो चेले चपाटी बना लेते हैं, स्कूल में ही नहीं इसका ज्यादा जो है अपना जो है कॉलेज में आपको मिलेगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको मिलेगा कि भाई थर्ड ईयर का है फोर्थ ईयर का है, फोर्थ ईयर वाले तो नहीं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आप वाले एलिमेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। फोर्थ ईयर वालों को अपनी रोजी रोटी के दिमाग में पड़ जाते हैं, प्लेसमेंट होने वाला होता है तो थोड़ा सा अपने उसमें बिजी हो जाते हैं, बट जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले उनमें से कोई कलाकार आपको मिलेंगे आपके ब्रांच का या दूसरे का या आपके हॉस्टल नेता तो वो अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और उसमें अपने चेले चपाटी बना लेते हैं, और उस इन्फ्लुएंस में जिनका आगे जाके आप पढ़ेंगे उनको वो क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं, उनका वो म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं, तो वो उनको अपना गुरु मान लेते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। और फिर वो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा है उसने सबको इन्फ्लुएंस कर लिया, किसके वजह से, अपनी कलाकारी के वजह से या अपनी जो भी टैलेंट है, जो भी मानो आप जो भी टैलेंट है उसके वजह से सबको जो है इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, मतलब उसका फील्ड बाकी लोगों पे हावी है, ध्यान दीजिएगा, उसका फील्ड बाकी लोगों पे हावी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, चेले चपाटियों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसके फील्ड में जो है बस डोल रहे हैं, अपने भैया जी, जो इसे यूपी में हम लोग उसको भैया जी बोलते हैं, तो भाई साहब, भैया जी, दादा, जो भी बोलिए ठीक है, तो ये लोग जो है अब वो पूरी तरीके से उनके चेले चपाटी उसके इन्फ्लुएंस में, उसके फील्ड पे हैं, उनकी अपनी कोई डिसिसिव डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो ये कहते हैं फील्ड, ठीक है। तो अब इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन थिंग अराउंड इट सराउंडिंग, दैट इज योर फील्ड, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ कि इस फील्ड में जो हम चार्ज की बात करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज की पहले बात करते हैं, तो चार्ज को अगर आप देते हो, और आपको यहां से पता चलेगा कि हम क्यों रेस्ट चार्ज को अलग पढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज, तो चार्ज अगर हमारे पास, चार्ज हमारे पास अगर रेस्ट पर है बच्चों, चार्ज जो है अगर रेस्ट पर है तो वो केवल जो है अपना एक इन्फ्लुएंस दिखाएगा अपने सराउंडिंग में, और उस इन्फ्लुएंस को आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है, अगर ये बच्चों रेस्ट पर है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस होगा अराउंड इट सराउंडिंग, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आगे चल के अभी हम डिफाइन करेंगे, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अभी मैं ये सिखा रहा हूं कि इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, तो रेस्ट चार्ज केवल एक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर ये इसका मन किया कि हम घूमने निकलेंगे, इसका मन किया कि नहीं हम तो वॉक करने निकलेंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी से वॉक करेंगे, मेरा मन कर रहा है कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से वॉक करेंगे, इसको घूमने का मन करने लगा, तो अब ये रेस्ट पर नहीं रहा, अब ये बना बच्चों मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज है ये, तो इसकी दो कलाकारियां होंगी, ठीक है, मूविंग चार्ज है तो इसकी दो कलाकारियां होंगी, ठीक है। जैसे घर में कैसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी वो क्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो क्रॉल करेगा, क्रॉल करने से पहले आप एक जगह उसको बैठा देते हो, तो वो एक जगह बैठा रहता है, तो अपने आसपास की चीजों को नोचता है, फाड़ता है, जो करता है, उसके जो अप्रोच वाली चीजें हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी सीमित है। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, 1.5 साल का हो गया, अपने बचपन के दिन याद करो, ठीक है, और फिर वो जो है क्रॉल करने लगा या फिर धीरे धीरे चलने लगा, तो जब चलने लगा तो घरों की जो स्विचें होती हैं उसमें उंगली डालेगा ना, या फिर
जाएगा किचन में, बर्तन वाले स्टैंड पे बर्तन या चम्मच इधर उधर करेगा, मतलब उसका दायरा बढ़ गया है, अब वो कई टाइप के इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। तो उसी तरीके से बच्चों ये जो अपना मूविंग चार्ज है ये दो इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। है ना, इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी अभी बड़ा हो रहा है बच्चा, अभी ये देखो चल नहीं पाया, अब चलने लगा, अब ये बच्चा बड़ा हो गया। अब पुरानी मूवी में देखते थे, पुरानी मूवी जो 90s की मूवी है तुम लोग तो देखते नहीं होगे, हम लोग जो है जब छोटे थे तो दूरदर्शन हुआ करता था, उस दूरदर्शन में केवल फ्राइडे फ्राइडे नाइट्स को जो है अमिताभ बच्चन स्पेशल मूवी आया करती थी, तो हम लोग एकदम ऐसे बैठ के देखते थे। तब ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई नेट था, है ना। तो हम लोग फ्राइडे नाइट को जो है वेट करते थे कि भाई ये मूवी आने वाली है, तो उस मूवी को जब हम याद करते हैं तो उसमें ऐसे ही दिखाता है कि बच्चा जो है विलेन दौड़ा रहा है छोटे बच्चे को, बच्चा दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया, बच्चा दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया। तो यही वाली कहानी है। तो ये बच्चा भी जो है अब ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेट करने लगेगा बच्चों, ठीक है, ये एक्सेलरेट करने लगेगा। अब इसके आप पास अपना, जैसे आप अब बड़े हो गए हो, अपना सोचने का, अपना सब कुछ करने का आपके पास अब पावर है, और अभी बड़े नहीं, अभी तो आप इसी मोड में हो। जब आप प्लेसमेंट पा जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे, जॉब पा जाओगे, तब आप बन जाओगे ये। और इसमें क्या होगा कि ये एक्सेलरेट करेगा कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेटेड। तो ये तीन इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेगा। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा जगह बना लें, जगह बन गया काम भर का। चलिए तो ये बच्चों अब इन्फ्लुएंस जो इसका होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, और एक नया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम वेव निकालेगा ये, ईएम वेव निकालेगा, ठीक है। हाँ, विलेन को भगाएगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब ये विलेन को भगा देगा, ठीक है। तो ये अब विलेन को भगा देगा, अब ये बड़ा हो चुका है। तो ये कहानी है बच्चों इन्फ्लुएंस और फील्ड का, मतलब फिजिक्स में शायद सभी को समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ये नाराज हो रहा है भाई, नाराज हो रहा है ये। एक मिनट वेट कर लो, नहीं तो ये चला जाएगा। ये नाराज हो रहा है। रिवीजन क्लास जो है बच्चों आज का एक दिन इंट्रो में चला गया था, तो कल भी जो है इलेक्ट्रो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कल भी इलेक्ट्रो का रिवीजन का सेशन जो है दो दिन रखेंगे, एक दिन बैकलॉग का रखेंगे सैटरडे को, और दो दिन अपना इलेक्ट्रो चलेगा। क्या हो गया इसको?
हैंग हो गया है, ठीक है, वेट करने दो, वेट, नहीं तो ये चला जाएगा, नोट्स भेज नहीं पाऊंगा मैं। टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल, मुझे एक चीज दिखाना था आप लोगों को कि जेई मेंस का रिजल्ट आ गया है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लेगेसी को कंटिन्यू करिए। 99.98% फिजिक्स में मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा इस अपनी कक्षा का पाया है, जो हाईएस्ट है, बाकी तो बहुत लोग पाए हैं 99.98। ठीक है, अभी उसका मैं दिखाने वाला था आपको एनटीए लेटर, तो भाई ने जो है दगा दे दिया। कुछ ज्यादा ही तेजी से ये हुआ है भाई। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर एक काफी भारी जिम्मेदारी है कि आपको इस लीगेसी को कंटिन्यू करना है। मुझे दुख इस बात का है कि कोई 100% टाइलर नहीं आया, 99.98 तक ही रह गया। तो मैं चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें से बहुत बच्चे हैं जो अगर चीजों को सही ढंग से फॉलो कर ले गए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखते हुए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे जरूर, और मेरी बातों को मानेंगे, जितना होमवर्क दिया जाएगा उसको करेंगे। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, बस 1 महीने के अंदर आपको फील आ जाएगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं। एक आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी, जरूरी बात यह है बच्चों कि इस बार और जो पिछले बच्चे पुराने हैं, ठीक है, उनके लिए एक जरूरी मैसेज है कि पिछली बार और अभी में काफी अंतर है। पिछली बार मैं किसी प्लेटफॉर्म पे एज ए टीचर पढ़ा रहा था, इस बार मैं अपने लेवल पे बस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, बट फिजिक्स का कोर्स हमारे एग्जिस्टिंग बच्चों के बहुत बड़े रिक्वेस्ट से मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस में मैंने ये प्रोजेक्ट कर दिया कि मेरे बच्चे इफेक्टेड ना हो। तो मेरा आपसे एक ही सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट चाहता हूं कि एटलीस्ट आप उन सीरियस लोगों को जरूर मैसेज दीजिए या प्रोपागेट करिए इस क्लास के बारे में, जो लोग एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। मैं फालतू लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जैसे लोगों को ही आप जरूर जो है ये मैसेज कन्वे करिए, जिससे कि लोग कुछ जुड़े, है ना, कुछ जुड़े। बाकी तो मैंने इस साल के लिए अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करने का मूड बना ही लिया है। अब जितने भी जुड़े, मुझे साल भर इन चीजों को कंटिन्यू करना है, लेकिन कम से कम आप अच्छे लोगों तक अच्छी चीज पहुंचाइए, तो मैं भी कुछ चीजें जो है आप मेरे लिए फायदेमंद हो जाए। तो मैं यही चाहूंगा कि आप कन्वे करिए। मैं सबको बात नहीं कह रहा हूं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड हैं, केवल उन्हीं के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं।